सागर के इस गांव में अचानक से लोगों को होने लगा उल्टी दस्त। गांव पहुंची डॉक्टरों की टीम, दो दर्जन से अधिक मरीजों को भेजा गया अस्पताल। सागर जिले में बांदरी के मेहर गांव में अचानक उल्टी दस्त की शिकायत होने से करीब 70 लोग बीमार हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। इसमें बच्चों सहित महिला और पुरुष शामिल है। बताया जा रहा है कि बारिश के मौसम में एक ही स्रोत का दूषित पानी पीने से उल्टी दस्त की शिकायत सामने आई है। ने की शिकायत पर लोगों को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जिसमें महिला पुरुष और बच्चे शामिल। उल्टी दस्त हो रही है, ये जो पानी पिया है आपने कहाँ का पानी पिया है? कितने लोग हैं ऐसे जो गांव में कि जो उल्टी दस्त से यहां पर आए हैं अस्पताल में? उल्टी दस्त हो रहा है, क्या हमारी पानी से मिस्टेक चल रही है कि खाने के लिए चल रही है मिस्टेक? कम से कम 200 बच्चे आ गए। कितने बच्चे आ गए? 200 बच्चे, दाल चावल खाए बस दिया। अभी तो ट्यूबवेल पर पी रहे हैं सर। अच्छा, ये शासकीय था कि प्राइवेट था? ये शासन ही चाहे ट्यूबवेल। तो कितने बच्चे आए हैं? कम से कम 200 बच्चे आ चुके हैं। कुछ लोग डायरिया वहाँ पर हुआ है कुछ लोगों को, तो कुछ बच्चे हुए हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ पुरुष भी हैं। इनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और बच्चे वार्ड में PICU में डॉक्टर की निगरानी में चल रहा है। PICU में और ICU में और 5 नंबर 6 नंबर वार्ड में पेशेंट भर्ती हैं। अभी सीएमएचओ मैडम का भी राउंड हुआ था, सिविल सर्जन का भी राउंड हुआ था, दोनों लोग देख गए हैं। और सीएमएचओ मैडम ने मेहर गाँव का भी दौरा किया हमने, और वहाँ पे जो एक टीम को 24 घंटे में बांद्र स्वास्थ्य केंद्र में भी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बांद्र है ना, उसमें अभी उन्होंने 24 घंटे के लिए डॉक्टर के लिए अलर्ट किया है और जिला अस्पताल में उन्होंने राउंड लिया है और सारे डॉक्टर को निर्देश दिए गए हैं कि सारे जो मरीज हैं एक ही वार्ड में उनको भर्ती करना है और पूरा इलाज उनका अच्छे से करना है सारे मरीजों का। अभी कितने बच्चे आ चुके हैं? कितने? 7 बच्चे आ चुके हैं और 10 से 12 पुरुष और महिलाएं हैं। सीएमएचओ मैडम ने प्रयास टीम लगाई इसके लिए, मतलब डोर टू डोर स्पेशली टीम लगाई सीएमएचओ मैडम ने। और जहाँ तक मेरे मतलब जो लोगों ने बताया था कुछ दूषित पानी का कुछ समझ में आ रहा है वहाँ पे, तो उसके लिए प्रशासन की टीम अलग से काम कर रही है उसके लिए।